आगामी 25 अप्रैल को भगवान केदारनाथ के कपाट खुलने के बाद पहली बार केदारपुरी शुभप्रभात केदार स्त्रोत से गुंजायमान होगी। और आपको बताएं कि शुभप्रभात केदार स्त्रोत के उच्चारण से जहां केदारपुरी का वातावरण भक्तिमय होगा, तो वहीं केदारनाथ धाम पहुंचने वाले श्रद्धालु शुभप्रभात केदार स्त्रोत की महिमा से रूबरू होंगे। शुभप्रभात केदार स्त्रोत को बद्री केदार मंदिर समिति के वेदपाठी मृत्युंजय हरिमेठ ने स्वर दिया है, जबकि पंडो स्टूडियो श्रीनगर ने संगीत दिया है। शुभप्रभात केदार स्त्रोत में 15 पदों को शामिल किया गया है। शुभप्रभात केदार स्त्रोत के प्रथम 3 पदों को शिवपुराण के सृष्टि खंड के रुद्र संहिता से लिया गया है, जबकि 12 पदों को दिल्ली निवासी अंकुर नागपाल ने लिखा है। 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। शुभप्रभात केदार स्त्रोत से गुंजमयान होगी केदारपुरी। केदारपुरी का वातावरण भक्तिमय होगा। तमाम जो देवालय है उनमें हर किसी का विशिष्ट जो सुप्रभात स्तोत्रम है वो गाया और बजाया जाता था, लेकिन केदारनाथ जी में भगवान केदारनाथ जी की कृपा से ही पहली बार प्रथम बार जो है श्री केदारनाथ जी के श्री चरणों में ये स्तोत्र को समर्पण करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ, जिससे कि श्रद्धालुओं के मन में इसका बहुत विशिष्ट असर पड़ेगा और भगवान केदारनाथ जी के श्री चरणों में भक्तिभाव बढ़ता जाएगा।